सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। पार्ट फाइव की शुरुआत में हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि यमादा से कहती है कि अपने प्लेस से हिलना बंद करो। बट जैसे ही यमादा अपने प्लेस से हिलता है तो वो गलती से कुछ ऐसा कर देता है। और फिर क्या था जिसके बाद तो वो लड़कियां मिलकर यमादा की क्या बैंड बजाती हैं। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस लड़की के पास फ्यूचर देखने की पावर है एंड इसका नाम है शारुशिमा मारिया। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में काउंसलिंग रूम में देखते हैं, जहां वो दोनों मिलकर विश्वक की पार्ट टू फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद वहां पे प्रेसिडेंट आकर यमादा को वही बुक दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। जिस पर हमारा यमादा वॉज लाइक मैं ये बात तुम्हें क्यों बताऊं। तभी थोड़ी देर बाद वहां पे मियामुरा आकर यमादा को प्रेसिडेंट से सॉरी बोलने के लिए कहता है। बट जब यमादा ऐसा करने से मना कर देता है तो मियामुरा खुद ही प्रेसिडेंट से माफी मांगता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट यमादा को समर वेकेशन में बीच को क्लीन करने की पनिशमेंट देते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी मेंबर्स को साथ में मस्ती करते हुए देखते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहां पे नेने उदागरी आकर यमादा को बीच क्लीन करने के लिए कहती है। और फिर क्या था जिसके बाद यमादा को ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ता है। यमादा अपने दोस्तों को भी उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है, बट उनमें से कोई भी यमादा की हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होता, बिकॉज वो सभी यहाँ पे मस्ती करने आए हैं, ना कि साफ सफाई करने। एंड गाइस अगर यमादा के फ्रेंड्स की जगह मैं होती ना तो मैं भी उसकी हेल्प नहीं करती, बिकॉज स्कूल पिकनिक में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन आराम से एंजॉय करने को मिलता है, और अगर उसमें भी हम साफ सफाई करेंगे तो फिर एंजॉय कब करेंगे। और वैसे भी आप सभी ने ये गाना तो सुना ही होगा कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है। सो गाइस अब आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आप लोग होते तो क्या करते, यमादा की साफ सफाई में हेल्प या फिर बाकी फ्रेंड्स के साथ मस्ती। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी मेंबर्स को साथ में देखते हैं, जहां मारिया उन सभी को बताती है कि अब मुझे लोगों का फ्यूचर देखना पसंद नहीं, क्योंकि अगर आपको आपका फ्यूचर पहले ही पता चल जाए तो फिर लाइफ बोरिंग हो जाती है, और इसी वजह से मैंने अपने बॉयफ्रेंड को भी खो दिया। यमादा जब मारिया के बगल में खड़ा होता है तभी मारिया गलती से यमादा को किस कर देती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में एक फ्यूचर का विजन देखते हैं, जहां शिराइशी उरारा का एक्सीडेंट हो गया था। और फिर क्या था जिसके बाद तो वो सभी शिराइशी को बचाने में लग जाते हैं। यमादा के फ्रेंड्स जब यमादा को एक्सीडेंट सीन की ड्राइंग बनाने के लिए बोलते हैं तो हमारा यमादा ड्राइंग ऐसी बनाता है जैसे हम सभी नर्सरी क्लासेस में बनाते थे। तभी मियामुरा को एक आइडिया आता है जिसके हिसाब से यमादा को मीको को किस करना था, एंड आफ्टर दैट उसे एक्सीडेंट का सारा सीन टेलीपैथी के थ्रू बताना था, जिसकी हेल्प से मीको काफी अच्छे से एक्सीडेंट सीन को ड्रॉ करेगी, जिसके बाद वो सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। बट जब इससे भी कोई बात नहीं बनती तो यमादा उन सभी को बताता है कि जब शिराइशी का एक्सीडेंट हुआ था तो मियाबी तुम उसी के पास थी, जिसे सुनकर मियाबी कहती है कि तो फिर ठीक है तुम मुझे किस करो, क्योंकि क्या पता कि मुझे किस करने से तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में और कुछ पता चल जाए। जिस पर यमादा कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज अभी मैंने मीको को किस किया है, दैट्स व्हाई अभी मेरे पास टेलीपैथी की पावर है, ना कि फ्यूचर देखने की। और फिर क्या था जिसके बाद तो हमारे यमादा भाई साहब की किसिंग क्लासेस चालू हो जाती हैं। वेल काफी देर तक किस विस करने के बाद एट लास्ट वो सभी मिलकर शिराइशी के एक्सीडेंट की प्रॉपर ड्राइंग बना ही लेते हैं, एंड आफ्टर दैट उन ड्राइंग की हेल्प से एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देते हैं।
काफी देर तक इधर उधर एंड छानबीन करने के बाद एट लास्ट उन सभी को वो प्लेस मिल ही जाती है जहाँ पे शिराशी का एक्सीडेंट हुआ था। वेल, मियामुरा एक्सीडेंट के बारे में और ज्यादा जानने के लिए यमादा को उन सभी मेंबर्स को किस करने के लिए बोलता है जो कि अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके लिए पहले तो यमादा मना करता है, बट जब बात शिराशी की लाइफ की है तो एट लास्ट वो ऐसा करने के लिए रेडी हो ही जाता है। यमादा कहता है कि ठीक है, मैं उन सभी को किस करने के लिए तैयार हूँ, बट तुम सभी मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम में से कोई भी मुझे उन्हें किस करता हुआ नहीं देखेगा। और फिर क्या था, जिसके बाद तो हमारा यमादा अपने काम में लग जाता है। एंड गाइस, गेस व्हाट, एक बंदा तो बेचारे हमारे यमादा के पीछे ही पड़ जाता है, जिसे छुड़ाने के लिए मियामुरा को भी यमादा की हेल्प करनी पड़ती है। वेल, उन सभी को किस करने के बाद भी यमादा को शिराइशी के एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे टीचर आते हैं, जिसे देख कर मियामुरा यमादा को उन्हें भी किस करने के लिए बोलता है, जिसे सुनने के बाद तो यहाँ पे हमारे यमादा का रिएक्शन देखने लायक था। बट अगर बात शिराइशी की हो तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। सो गाइज, मैं आप सभी को बता दूं कि ये सीन इस एपिसोड का सबसे ज्यादा फनी सीन है। टीचर को किस करने के बाद यमादा को एक छोटा सा सीन दिखाई देता है, बट उससे भी उन्हें शिराइशी के एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिराइशी स्कूल आती है तो वो बारिश की वजह से भीग जाती है, जिस वजह से उसे अपने कपड़ों को चेंज करना पड़ता है। एंड गाइज, ये कपड़े वही होते हैं जिन कपड़ों में शिराइशी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद सभी गर्ल्स मिलकर शिराइशी को फॉलो करना स्टार्ट कर देती हैं, ताकि वो सभी मिलकर उसे किसी भी खतरे से बचा सकें। वहीं दूसरी तरफ मियामुरा फ्यूचर के बारे में जानने के लिए यमादा को किस करता है, एंड देन विजन देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मियामुरा यमादा से बात करने की कोशिश कर रहा था, बट यमादा उसे कंप्लीटली इग्नोर करके आगे निकल जाता है। टीचर जब यमादा को देखते हैं तो यहाँ पे उनका रिएक्शन देखने लायक था, और साथ साथ हमारे यमादा का भी। बट तभी यमादा को याद आता है कि शिराइशी का एक्सीडेंट सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से नहीं, बल्कि बॉल लगने की वजह से हुआ था। तभी थोड़ी देर बाद सामने से कुछ बॉयज वॉलीबॉल खेलते हुए आते हैं, वहीं दूसरी तरफ से शिराइशी भी अपने फ्रेंड्स के साथ आ रही थी। यमादा शिराइशी को आगे आने से मना करता है, बट शिराइशी उसकी बातों को समझ नहीं पाती। बट इससे पहले कि शिराइशी को कुछ हो पाता, यमादा जाकर शिराइशी को बचा लेता है। और थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पे पता चलता है कि जब वो दोनों नीचे गिर रहे थे, तब उन्होंने एक दूसरे को किस करके एक दूसरे से अपनी बॉडी को स्वैप कर लिया, और इस तरह हमारा यमादा शिराइशी का एक्सीडेंट होने से बचा लेता है, जिसके बाद वो सभी मेंबर्स मिलकर साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। मारिया उन सभी को बताती है कि मैं अपने इस जादू से छुटकारा पाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस पर्सन को सच में किस करना चाहती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ, ना कि उसका फ्यूचर देखना चाहती हूँ। यमादा एंड शिराइशी जब साथ में बातें कर रहे होते हैं तो मारिया उन दोनों को देखकर कहती है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट अभी तक इन दोनों को इस बात का रियलाइज नहीं हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यमादा नोवा के पास होता है तो नोवा उसे बताती है कि विश्व बुक के वॉल्यूम 2 में मैंने एक पर्सन के बारे में पढ़ा था जो किसी भी विश के जादू को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर सकता है, एंड उसका नाम है विश किलर। बट
बट रियल में विश किलर है कौन, इस बात का पता तुम्हें खुद ही लगाना होगा। देन नेक्स्ट सीन में हम अगेन यमादा को देखते हैं जो कि काउंसलिंग रूम की तरफ जा रहा होता है, जहां एक लड़की उससे कहती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी यमादा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।